हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शोहर सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। दोस्तों, शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गुरु किस तरह से बनाई हूँ, किनको बनाई और गुरु मुझ तक कैसे आए और मैं कैसे शिव को अपना बना ली, तो वही मैं बताना चाहती हूँ। 2011 में मैं शिव को अपना गुरु बनाई हूँ और गुरु किनके माध्यम से मैं बनाई, तो मैं आज उनसे आप लोगों को मिलाऊंगी। और 2000 जब से मैं शिव को अपना गुरु बनाई या जब से उन्होंने मेरा नाम का घोषणा करवा दिया, तब से मेरे जिंदगी का दशा और दिशा दोनों ही चेंज हो गया। तो ये उन्हीं की कृपा है, क्योंकि कहते हैं कि गुरु गोविंद मेरे पास खड़े किसको लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु मैं तेरी जाऊँ जो गोविंद दियो बतलाई। तो यही है, आज मेरी भाभी है, उनके माध्यम से मैं ही मैंने शिव को पाया हूँ, शिव को गुरु बनाया। शिव कौन थे? महादेव के रूप में ही हमने इतना दिन शिव को जानते थे, पर गुरु के रूप में जो महादेव है तो ये तो जानकारी नहीं थी। तो जो उन जिनके माध्यम से मैं पाई हूँ, आज मैं उनसे उनको आपको मिलवा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी भाभी है, ये मेरी मुझसे मेरा भाई छोटा, 2 साल का छोटा है मेरा भाई, उनकी पत्नी है। गुजरात में इन्होंने ही गुजरात में साहेब श्री गए थे, तो तब मैं बहुत में तकलीफ में थी, बहुत परेशान थी। तो मेरी भाभी ही मुझे गुजरात से कॉल करके बोली थी कि आप शिव को गुरु बना लीजिए भाभी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक तरह से मेरी ननद लगती है, मैं इनकी भाभी लगती हूँ, एक तरफ से ये मेरी भाभी लगती है, मैं इनकी ननद लगती हूँ, इसीलिए इस तरह का थोड़ा सा डिसमिस है दोस्तों। तो भाभी ने ही मेरी नाम घोषणा करवाई थी गुजरात में, और तब से आज तक मैं शिव गुरु को लेके चल रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये मेरी भाभी है, आप इनसे मिलिए, इन्होंने ही 2011 में मेरा नाम का घोषणा किया था। तो ये आप लोगों को कुछ बताएंगी अपने बारे में प्लस मेरे बारे में, तो आप लोग थोड़ा इनके मुँह से भी सुन लीजिए। प्रणाम गुरु बहन गुरु भाई, आप सभी को मेरा नमन। मैं सबसे पहले यहाँ कोलकाता में आई, मेरी भाभी बहुत परेशान और दुखी थी। मैंने उनसे कहा कि आप शिव को गुरु बनाइए, महादेव सबका दुख दूर करते हैं और दया करते हैं। भाभी ने पूछा कि कैसे करें, मैंने उनको 3 सूत्र बता दिए, उन्होंने करना शुरू किया। आज मेरी भाभी इस मुकाम तक पहुंच गई है, मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि वो यूट्यूब में आ रही है, बहुत उसकी खुशी है। और इतना प्रसन्न हूँ अंदर से कि मेरे बताने से आज मेरी भाभी इतना सुख शांति पाई है और इतना आगे बढ़ गई है, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। और शिव को गुरु जो नहीं बनाए हैं वो सब भी आप लोग भी बनाए, जिस तरह से मेरे भाभी के साथ चमत्कार हो रही है, गुरु की दया से आप सभी के साथ भी होंगे। गुरु बहुत दया करते हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत चमत्कारी हैं, आप उनको दिल से मन से मान के देखिए उनमें क्या परिणाम है, शिव गुरु का अपना बना के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि गुरु में क्या चमत्कार है। जिस तरह से रसगुल्ला खाते हैं तो हम खाएंगे हमारे मुंह में मीठा लगेगी, आप खाएंगे तभी आपके मुंह में मीठा लगेगी। गुरु भाई बहन, आप सभी से नम्र विनती है कि आप लोग भी बना के देखें कि गुरु कैसे चमत्कार करते हैं। उसके लिए कोई खर्चा नहीं, कोई नियम पालन साधन नहीं है, सिर्फ नाम डाल दीजिए, आपका गुरु शिव हो जाएंगे, आप शिव का शिष्य हो जाएंगे। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान तरीका से गुरु घर बैठे हुए मिल रहे हैं, एक दूसरे के माध्यम से गुरु को अपना बना सकते हैं, इसमें कोई नियम पालन साधन नहीं है। आज मेरी भाभी को देख रही हूँ इतना आगे बढ़ते हुए, इस बात की बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुश हूँ मैं। आज वो अपने साथ मुझे भी अपने चैनल पे बुलाई हैं और बोली हैं मैं सभी दोस्तों को बताऊंगी कि किसने मुझे शिव को गुरु बनाने के लिए कहा और किसके माध्यम से मैं आज इतना आगे बढ़ी हूँ, इतना गुरु की दया मिल रहा है। आप भी मेरे चैनल पे आइए, यूट्यूब पे आइए, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी भाभी मुझे बताई थी। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम।